तो जैसा कि क्लास 12th के लिए मैंने कुछ वीडियोस केमिस्ट्री में भी अपलोड किए थे, तो आज इसी सीरीज में आप लोग को एग्ज़ाम से पहले, मैं फिजिक्स का जो आपको होने वाला एग्ज़ाम है उससे पहले, एक ऐसे टीचर्स हैं जिनको मैं टीचर भी मानता हूँ, मतलब ये मतलब मेंटोर भी मानता हूँ, और जिन्होंने मोर देन 30 ईयर्स का जो फिजिक्स का मतलब एक्सपीरियंस है उनको, कि हमें फिजिक्स में कैसे मतलब डील करना है। मैं खुद सर से मतलब पढ़ा हुआ हूँ, एंड शायद जो भी लोग इस वीडियो को मतलब देखेंगे तो वो शायद उनमें से बहुत सारे लोगों ने सर से फिजिक्स मतलब पढ़ी होगी। एक जाना माना नाम, मतलब जब मैं मतलब 12th में था तो 12th में भी मैंने सर से मतलब पढ़ा हुआ है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज NIT में हैं, IIT में हैं, और बहुत सारे ऐसे अच्छी मतलब पोस्ट पर हैं। तो मतलब फिजिक्स में मेरी जो मतलब नॉलेज है, जिनको मैं जानता हूँ, उसमें वन ऑफ द बेस्ट टीचर। तो आज ज़्यादा इस एक मतलब इसको मतलब इंटरव्यू फॉर्म में ना लेके, जो आपका 6 को जो आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है उसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स ध्यान में रखनी है। तो सर मतलब वेलकम है आपका, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बच्चों को फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए कुछ बेसिक सी बातें ये बता दें, ताकि बच्चा एक, अब एक दिन का टाइम है उनके पास कल को, जैसा कि मतलब संडे भी है और 6 को बच्चों का एग्ज़ाम है, तो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स सर आप दीजिए। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। इसमें जो मुझे अनुभव है वो मैं कहना चाहूँगा कि इस बीच परीक्षाओं में जो आपने साल भर पढ़ा है उसको थोड़ा आप रिवीजन कर लीजिए। अगर आप रिवीजन लगातार करेंगे तो वो आपकी याददाश्त मेमोरी को बढ़ाएगा, और बेसिकली जो आपके एक एक नंबर के वन मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। वे जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और चैप्टर वाइज आप उनको एक बार ले लीजिए, और जब बार बार आप सेल्फ टीचिंग करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो बार बार रिवीजन करने से वो आपको जो है सरलता रहेगी परीक्षाओं में, और उससे आपका जो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो भी आपकी कम हो जाएंगी। और NCERT की जो बुक है उसका अगर आपने थोरो स्टडी किया होगा उस बुक में कहीं कहीं पर आप मार्कर से अंडरलाइन कर लीजिए मेन मेन पॉइंट को, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव होती है, उसमें मेन मेन फॉर्मूला है, टॉपिक है, उसको यदि आप अंडरलाइन करेंगे तो बार बार उसको आप फोकस करेंगे तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी। और इसके अलावा एग्जाम हॉल के अंदर भी वो जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके बारे में ज़्यादा न सोचा जाए, जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप एक बार कर लीजिए। और एग्जाम हॉल में सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस मेंटेन करें, और सबसे बड़ा अगर आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन है तो उसके बाद क्या होता है कि आप बार बार फिर उन क्वेश्चंस को करते हो, जो क्वेश्चन आपने को नहीं कम आते हैं उनको आप बाद में करिए, और जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते कभी कभी उस क्वेश्चन को आप हिट कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ना है तो न्यूमेरिकल के हिसाब से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, या डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका फॉर्मूला है उसका डायमेंशन है, या डायपोल मोमेंट है, तो छोटे छोटे टॉपिक आपके होते हैं। उसी तरह से आपके बहुत इजी चैप्टर्स आपके गॉस थ्योरम है, उसके एप्लीकेशन, उस पर भी आप कंसंट्रेट करेंगे, और फिर करंट वाले चैप्टर में आपने कहा करंट डेंसिटी है, टिप्ट वेलोसिटी है, मोबिलिटी है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके होते हैं, ओमिक सर्किट है, नॉन ओमिक सर्किट है, इन पर आप थोड़ा थोड़ा टच करेंगे तो आपको लाभ होगा। दूसरा करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। फिर इंटरनल रेसिस्टेंस होती है और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है, उस पर भी क्वेश्चन आता है। किरचॉफ्स लॉ को तो आपका इजी है लेकिन उसे कुछ सॉल्व क्वेश्चन आप देख सकते हो, और व्हीटस्टोन ब्रिज है या पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर में जनरली उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट उसका के बराबर V/L आता है। पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर क्योंकि वो करंट नहीं लेता है, नल पोजिशन में वो डिफ्लेक्शन देता है, तो पोटेंशियल जो पोटेंशियोमीटर है वो भी एक ईजी टॉपिक है। फिर आप मैग्नेटिज्म की ओर जाते हैं तो बायो सेवर्ट्स लॉ तो काफ़ी ईजी है आपका, लेकिन उसमें डायमेंशन देखनी पड़ती है कि आप μ0 की डायमेंशन करेंगे या μ0 εn0 बराबर 1/c² करेंगे, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। एम्पियर्स सर्किटल लॉ ये भी आपका आसान है, तो इसी में R=mv/qb, साइक्लोटॉन के बारे में जो फिजिक्स है उसके R=mv/qb है उसके बारे में भी वो पीच होता है उसका, इस पर भी आप ध्यान दे देंगे। इस तरह से आपके बाकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो मटेरियल है उसमें तो कुछ हट चुका है, लेकिन उसके बाकी जो टॉपिक है उसमें उन
उन चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। फैराडे लॉज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस है, और आपका उसमें वी बराबर बी बी एल है, तो लेंजेज रूल है, और सेल्फ इंडक्शन इंडक्शन है। तो इनमें छोटी छोटी चीज़ें हैं। कुछ तो बहुत आसान चैप्टर भी है आपका, जैसे अल्टरनेटिंग करंट का है, उसमें मेन एल सी आर सर्किट है। अगर एल सी आर सर्किट आपकी समझ में आ गया, वो पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाता है। इम्पीडेंस वाला, हाँ, इम्पीडेंस का फॉर्मूला, अगर जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल डिफरेंस आपका वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर है, उसे सारा बन जाता है। फिर उसमें जो आपका फ्रिक्वेंसी बैंड है, एल सी रेजोनेंस है, तो छोटे छोटे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और लाइट में तो आपको जो है सही ढंग से, अगर आप जैसे आपने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ लिया, उसकी स्टडी आप करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर करते हैं, तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और आपका स्नेल्स लॉ है, और आपका जो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और स्फेरिकल सरफेस पर आपका रिफ्लेक्शन है, एन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर एन अपॉन एन माइनस वन अपॉन आर है, या वन बाई एफ बराबर एन माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू है। ये कुछ इजी आपका फॉर्मूले हैं। उसमें कभी कभी कन्फ्यूजन क्या होता है कि डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू होता है, तो उस पर भी आप कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के समय काम आता है। तो इस तरह से आगे को आप बढ़ेंगे तो जो आपका माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है उसका भी जो पावर ऑफ मैग्निफिकेशन है, दोनों को आप डायग्राम बार बार बनाने पड़ेंगे। और टेलीस्कोप में तो फिर भी इजी है, माइक्रोस्कोप में एक चीज ध्यान देना पड़ता है कि मैग्निफिकेशन बराबर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा होता है। वो टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो बेस आपका उसमें कैपिटल डी होगा, डिस्टेंस जो 25 सेंटीमीटर है, तो वो आपका अल्फा अलग डिफाइन होता है। लेकिन टेलीस्कोप में अल्फा डायग्राम से आता है, माइक्रोस्कोप में जो अल्फा होता है अलग से डायग्राम बनाना पड़ता है, लेकिन जो उसका बीटा होता है वो डायग्राम से आता है। तो ये जो मैग्निफिकेशन है दोनों का, इस पर आपको टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सावधानी से करने हैं। माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन और टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन, इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो हर तरह के हैं, कि फाइनल इमेज डी पर बनता है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, ये दो कंडीशन है। उनको अलग अलग करके उनका सेपरेट सेपरेट सॉल्व क्वेश्चन है। इसमें एस एल अरोरा में भी हैं और एन सी आर टी में भी, आप उसको मार्क कर लीजिए। इसके बाद आपका हाइगन्स थ्योरी आती है, वो हाइगन्स थ्योरी में भी आपका आपको आसान है, लेकिन इसमें जो थोड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कभी कभी, वह है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें आपका जो फ्रिंज विड्थ है उसका जो डेरिवेशन है बीटा बराबर या डब्ल्यू बराबर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी है। तो इसके क्वेश्चन तीन तरीके से आ सकते हैं, तो डेरिवेशन भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, और सेंट्रल मैक्सिमा आता है तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी बीच में एक ग्लास की जो स्लिट है वो रख देते हैं तो वेवलेंथ में उसकी जो आपका उसका जो पार डिफरेंस है वो चेंज हो जाता है। इस तरह से मुझे लगता है कि यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद डिफ्रेक्शन आप स्टडी करोगे, वो भी आपका जो है मिक्सिंग है वेव्स का, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। और पोलराइजेशन है, उसमें ब्रूस्टर से लॉ है, और उसमें उसको आप कंसेंट्रेट करेंगे। फिर आपका इंटेंसिटी वेरिएशन है पोलराइट का, आई बराबर आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा, अगर दो बार हो रहा है थीटा वन और थीटा टू है तो आई बराबर आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा वन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा टू आएगा। इस तरह से वो भी एक आसान चैप्टर आपका है होता है। आगे आप बढ़ते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में उसके जो लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो आसान है और वो जरूरी भी है, लेकिन उसमें मेन होता है कि आपका उसकी जो काइनेटिक एनर्जी फोटॉन की होती है, और उसके बाद जो उसका जो है फ्रिक्वेंसी है उसके बीच में जो रिलेशन आता है वो आपका जो है उसको आपने देखना है कि टाइम लैग नहीं होता उसमें, वो रूल्स आपने देखना है। और आइंस्टीन ने उसका जो मतलब वर्क जो उसका वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी, तो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो डब्ल्यू बराबर जो है एस सी बाय लैम्डा जीरो और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इनको आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। और इस तरह से जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो तो आपका एक आसान टॉपिक है। इसमें एक जो मेन टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ है, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी है। अगर आप एम बी को मोमेंटम को कन्वर्ट करते हैं तो अंडर रूट ट्वाइस एम ई होता है। अब इसमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी तीन तरह से होती है, एक तो एनर्जी ई बराबर वन बाय टू के टी होती है, एक चार्ज पार्टिकल के लिए आपका क्यू भी होती है, उसको भी आपने कंसिडर करना है। फिर इस तरह से लैम्डा का फॉर्मूला ये डी ब्रोगली वेवलेंथ में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं
तो आपका जो एटॉमिक जो हमारा स्ट्रक्चर है एटम्स के बारे में, तो रदरफोर्ड मॉडल का डिमेरिट्स का एक एक बार पूछा गया है, उसमें उसका जो आर जीरो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर जीरो है, तो रदरफोर्ड मॉडल ने जो आपका रेडियस दिया है उसका आर जीरो आपको निकालना पड़ता है। न्यूक्लियस का साइज एस्टिमेशन है, इस पर आप न्यूमेरिकल भी करेंगे, आता है उसमें कॉपर के लिए, एजी के लिए और एयू के लिए, उसका रेडियस निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, वो आपको निकालनी पड़ती है। उसके अलावा कभी कभी एक फॉर्मूला आता है एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन साइन थीटा बाई टू की पावर फोर आता है, इस बार एन वन बाई एन टू करके वो कंपटीशन में भी आ चुका है। लेकिन मेन आपको दो फॉर्मूले हैं कि बोहर मॉडल में एम बी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई होता है, दूसरा आपका एम बी स्क्वायर अपॉन आर बराबर वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बाई आर। इन दोनों को सॉल्व करके रेडियस निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी। ये सब केमिस्ट्री में भी ये आपका केमिस्ट्री में भी है, तो इस ये बहुत आसान है। तो ये टॉपिक आपका स्पेक्ट्रम तो सबसे आसान है, तो उसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है, वो आप जानते भी हैं कि बामर वन बाय लैम्डा के फॉर्म में वन अपॉन लैम्डा आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। हाँ, बामर सीरीज में आपका फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइमन बाल्मर मतलब उसकी मतलब फर्स्ट सीरीज वाली और लास्ट सीरीज की लाइन, तो बामर में विजिबल में आती है उसकी जो आपका पहली लाइन है, लाइमन यूवी में आती है। लाइमन तो यूवी में, बामर विजिबल में, तो बामर की लाइन निकालनी है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, अगर लाइमन का लैम्डा दिया तो बामर का निकालो, बामर की लैम्डा दिया तो लाइमन निकालो, तो दो इक्वेशन बना के डिवाइड कर लो। इस तरह से स्पेक्ट्रम से आपका स्कोर अच्छा होगा और न्यूक्लियर जो आपका साइज है उससे भी आपका बढ़िया रहेगा। फ्यूजन है, फिशन है, रेडियो एक्टिविटी है, ये बड़े आसान चैप्टर, अल्फा डीके बीटा डीके, ये बड़े आसान चैप्टर, अल्फा डीके बीटा डीके। हां, तो ये बड़े हाफ लाइफ टाइम के जो क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी उसका ग्राफ भी है। एक बार इसमें सीबीएसई में देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी स्पेसिफिक जो मतलब बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी तो उसमें 1 एमयू बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हां मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके, तो ये बाइंडिंग एनर्जी को तो बड़े ध्यान से आपको स्टडी करना है। बाइंडिंग एनर्जी का चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें आसान भी है। नाइट्रोजन की निकालो बाइंडिंग एनर्जी, या ऑक्सीजन की निकालो, या हीलियम की निकालो, जनरली तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो हीलियम की निकालो, या नाइट्रोजन की निकालो, या ऑक्सीजन की निकालो, आसान है। एएमयू में आपका प्रोटॉन का मास मालूम होना चाहिए, एएमयू में आपका न्यूट्रॉन का, और आपका जो है एम वन माइनस एम टू इंटू जो है 931 एएमयू में आएगा, तो जितना एएमयू में आएगा 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि यूरेनियम पर आपका अल्फा ये न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट तो क्रिप्टन और बेरियम बनता है और तीन न्यूट्रॉन मिलते हैं ये, लेकिन एक हिडन क्वेश्चन कभी कभी जो पूछा गया क्रिटिकल मास, क्रिटिकल साइज, ये दो आपके आते हैं, और कभी कभी ब्रीडर रिएक्टर भी आ जाता है। तो ये चीजें हालांकि सरल हैं लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सन की एनर्जी में जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइकिल है और कार्बन कार्बन साइकिल है, थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा वो इक्वेशन जरा लंबी है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट में आपका पी टाइप एन टाइप आसान है, सेमी कंडक्टर में, तो इसमें एक बार 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया बैंड थ्योरी, तो उसमें बैंड थ्योरी पर थोड़ा बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन कभी भी पीएन जंक्शन में ये आपका जो भी चीजें आती हैं उसमें एनर्जी कॉन्सेप्ट को आपने जो है इग्नोर नहीं करना है। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स को आप देखेंगे, पोटेंशियल बैरियर पूछा जाता है, और उसमें एक चीज और है आपका जेनर डायोड इम्पोर्टेंस है, एवलांच वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो एवलांच जो आपका जो है आपका उसमें जो टॉपिक आता है उसको भी आपका, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे, तो मुझे लगता है मैं ज्यादा हिंदी मीडियम में बोल गया हूँ, वो तो उसे फोटो डायोड है और लाइट इमिटिंग डायोड है, सोलर आपका डायोड है, इसको आपका देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से ट्रांजिस्टर हट गया है, इसमें जिनर डायोड को अब मैं थोड़ा नॉर्मल डायोड से क्यों डिफरेंस है, ये एनसीईआरटी बहुत बढ़िया दिया है, तो एनसीईआरटी का तो लाइन बाय लाइन हर लाइन आपको पढ़नी है, हर लाइन आपको फिजिक्स में भी केमिस्ट्री की तरह लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी का जिनर डायोड है उसमें आपका इम्प्यूरिटी डोपिंग है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तो वो डिफरेंस की किताब में दिया है सारा, क्योंकि मैं तो पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बता रहा हूँ।
तो मेन है कि एनसीईआरटी के बार बार आप रिवीजन करेंगे yes, तो आपको बड़ा लाभ होगा yes, और सबसे बड़ा लाभ है कि आप सेल्फ टीचिंग करें, रिवीजन करें, स्वास्थ्य का ध्यान दें और एग्जाम हॉल के अंदर अपना जो कूल माइंड है वो बना के रखें, पेशेंस है बना के रखें। सबसे बड़ा है कि अपने पर आपको कंट्रोल रखना है और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। मेन आपका है कि आपको आता सब कुछ है लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनमें आपका कंट्रोल होना चाहिए। एग्जाम हॉल के अंदर बहुत शांत रहने की जरूरत है, पढ़ाई के उसमें शांत रहने की जरूरत, कोई तनाव की जरूरत नहीं है। आप ये एक चीज में और पूछना मतलब ये चाहूंगा, जैसे कुछ बच्चों को क्या रहता है कि कई बार ऐसा होता है सर कि डेरिवेशन नहीं आ पाते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल कुछ ज्यादा हो जाते हैं और कुछ मतलब फिजिक्स में ये भी कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि मतलब जो मतलब न्यूमेरिकल है वो सीधा सीधा नहीं पूछा है, कुछ चीजें मतलब घुमा दी है। तो आपका क्या टिप्स रहेगा कि अगर मान लो कि कुछ मतलब न्यूमेरिकल में कुछ चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स ही लग रही है तो हम कैसे करें, मतलब न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करें क्योंकि अब टाइम भी उतना ज्यादा नहीं है सर, तो मतलब कल का दिन है और आज की शाम है, तो न्यूमेरिकल अप्रोच और डेरिवेशन तो किस तरीके से लास्ट टाइम पे इसको टच दे सर? उसका मुझे ऐसा लगता है जी सर, एक्चुअली इनके डेरिवेशन बहुत लंबे नहीं है जी, इंटरमीडिएट में डेरिवेशन छोटे हैं। यस सर, हमने तो एम एस सी में लगभग लगभग 15 पेज 20 पेज 12 पेज के डेरिवेशन देखे, इतने लंबे डेरिवेशन देखे। बच्चे जो डेरिवेशन है उसको हिस्सों में तोड़ लें, ब्रेक कर लें, उसके पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, कोई भी डेरिवेशन इतना लंबा नहीं है इंटरमीडिएट में। मान लीजिए कोई डेरिवेशन आपका माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर है, सीधे से आप डायग्राम बनाते हैं, 10 बीटा का डायग्राम करते हैं, परपेंडिकुलर बेस करते हैं, 10 अल्फा के लिए डायग्राम है, सीधे आपका डायग्राम डेरिवेशन आ जाता है उसे। अगर आप यंग से डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें 2 ट्रायंगल बना रखे हैं, एक तो S1 S2 D करके बना रखा है, एक आपका स्क्रीन वाला बना रखा है, तो एक S1 है S2 है, इस तरह से एक आपका ट्रायंगल बनता है, दूसरा ट्रायंगल इस तरह से बनता है, बेस आपका कैपिटल डी है, ये वाई है, तो बना रखा है। तो एक्चुअली डेरिवेशन को हमेशा 2 या 3 पार्ट में आप कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से कि बहुत लंबे डेरिवेशन नहीं है इंटरमीडिएट में, बहुत छोटे डेरिवेशन है, हमको लगते बड़े हैं, बिल्कुल सर बहुत छोटी डेरिवेशन है। और सर मतलब न्यूमेरिकल के लिए क्या, न्यूमेरिकल के लिए इनका ये है कि जो मुझे लगा न्यूमेरिकल अभी तक जो प्रैक्टिस कर लिया मतलब फॉर्मूले को बार बार, फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल फॉर्मूले से आता है, लेकिन कभी कभी अगर न्यूमेरिकल बनाने का टाइम नहीं है तो न्यूमेरिकल का आप हिस्ट्री की तरह एक बार रिविजन कर लीजिए, खाली देख लें, खाली देख लें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ लें, उसको हल्का आइडिया ले लें कि कैसे सॉल्व क्वेश्चन। अभी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में देखे बॉक्स में, बॉक्स आइडिया ले लें, न्यूमेरिकल में तो एक ही आप एक आइडिया ले लीजिए और उस आइडिया को लेके, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, कर लूंगा मैं, तो इसके मतलब ये क्वेश्चन ऐसे है, इसको ऐसे सॉल्व किया, मैं इसको ऐसे कर लूंगा, ये अगर आपने पहले सॉल्व किए हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अभी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, खाली हिस्ट्री की तरह पढ़ लीजिए, हिस्ट्री की तरह, इतिहास की तरह, हिस्ट्री की तरह उसको आइडिया ले लीजिए, वो आइडिया में आपकी पकड़ होनी चाहिए, फिर जो आइडिया आप लेते हो कहीं से भी कोई आइडिया लो उसमें आपका बिल्कुल उसमें पकड़ होनी चाहिए, तो आपका मजबूती से उस टॉपिक पर आपको पकड़ रहनी पड़ेगी। दूसरा है कि खाली खाली चलते चलते रिविजन करिए आप दिमाग से, दिमाग मेमोरी मैपिंग होती है, लेफ्ट पेज में है, राइट पेज में है, डायग्राम है, तो मेमोरी मैपिंग होती है। मैं तो ये सोचता हूँ, मेरा तो मेमोरी में ही है कि लेफ्ट पेज में ऐसा था, राइट पेज में ऐसा था, अपने को जरा आपका मेमोरी मैपिंग, ये डायग्राम इस तरह से स्टेप्स उसके क्या क्लियर कर लें, तो चाहे न्यूमेरिकल हो या थ्योरी हो आपके स्टेप से क्लियर होने चाहिए। अगर कोई चैप्टर लेता है उसे टॉपिक्स, टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3, तो एक मेमोरी मैपिंग होता है उसमें, आपकी याददाश्त जो है आपका डायग्राम पर, थ्योरी पर, न्यूमेरिकल पर, तो डायग्राम, थ्योरी और न्यूमेरिकल, इन तीनों में आपका क्या होता है, मेमोरी बढ़ाइए आप, और कॉन्फिडेंस रखिए और मेमोरी बढ़ाइए और अपने पर भी कॉन्फिडेंस रखिए। तो पहली शर्त है कि कॉन्फिडेंस लूज करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, और आप अगर अगर मजबूती से आप अगर थ्योरी, न्यूमेरिकल और डायग्राम को देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सभी को बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं, और आप कॉन्फिडेंस रखिए, हिम्मत रखिए और आपका अपनी स्पीड मेंटेन करिए। सर आपका बहुत बहुत ये कोई बात ये धन्यवाद, आपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हमारे साथ दिया, तो बच्चों जरूर आपको फिजिक्स में इससे कुछ एडवांटेज होगा, सो आप सभी को आपके फिजिक्स के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।